गाइस यार क्या आप भी कुछ इस टाइप की प्रोफेशनल एडिटिंग करना चाहते हो तो प्लीज यार इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना, क्योंकि आज की साल वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। तो चलो गाइस यार सबसे पहले हमारा आपको आपका स्नैपशीट ओपन कर देना होगा, क्योंकि ये वाली जो एडिटिंग में बहुत ही ज्यादा इजी स्नैपशीट ऐप से होने वाली है। ठीक है, तो स्नैपशीट ऐप को ओपन कर देना होगा, देखेंगे जिस बीच में प्लस वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो गैलरी है ओपन हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, गैलरी से यहाँ पर आपको सिंपल अपना वो वाला फोटो सेलेक्ट कर देना होगा जिसको भी आप यहाँ पर जो है एडिट करना चाहते हो। मैं जल्दी से यहाँ पर वो वाला फोटो अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो भी आप यहाँ पर स्क्रीन पर यानी कि देख ही पा रहे हो। ठीक है, तो इतना काम करने के बाद अभी आपको स्पेंसर वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो अंकित क्लिक करने के बाद सबसे पहले स्टेप थोड़ा बहुत नीचे आकर इस डबल एक्सपोजर वाले आइकन में जो है क्लिक कर देना होगा, देखेंगे जिस गैलरी वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो सिंपल मैं जो है फर्स्ट ही पहली भाई एकदम शुरुआत में ही इसका बैकग्राउंड चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि यार बैकग्राउंड चेंज होगा तो उस बैकग्राउंड की थोड़ी बहुत लाइट जो है ना ठीक हो जाएगी हम जैसे जैसे एडिटिंग करते जाएंगे, वरना भाई लास्ट में करूंगा तो लास्ट में थोड़ा बैकग्राउंड गलत सा लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर देना होगा जो कि आप इस पर लगाना चाहते हो, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो गाइस यार स्क्रीन पर जैसे कि अभी आप देख ही सकते हो कि मैंने पूरा का पूरा बैकग्राउंड यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया हूँ। तो अभी आपको सिंपल इस ओपेसिटी वाले आइकन में क्लिक कर देना, देंगे जिसको यहाँ पर फुल ओपेसिटी इसकी कर देनी होगी, देंगे सिंपल राइट में आपको क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने के बाद अभी आपको ऊपर इस तीर वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा, यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो। तो सिंपल इसमें क्लिक कर देना होगा, फिर यहाँ पर आपको एक व्यू एडिट्स करके देखने को मिल जाता है। सिंपल इसमें आपको क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर सबसे पहले वाला डबल एक्सपोजर करके देखने को मिल जाता है, उसमें क्लिक कर यहाँ पर आपको ब्रश वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, नीचे डबल एक्सपोजर की साइज यहाँ पर आपकी जो है 100 होनी चाहिए, फिर इस टाइप से अपने जो मतलब 100 कर देनी होगी, होनी चाहिए। फिर आपको कुछ नहीं करना, 100 साइज करने के बाद इस टाइप से आपको अपना पूरा का पूरा बैकग्राउंड पर आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुली यहाँ पर आपको इसको ड्रॉ कर देना होगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हो पूरे के पूरे यानी कि बैकग्राउंड पर करना है। तो भाई अगर आप चैनल पर प्लीज चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब जल्दी से जाकर कर दो, मैं तब तक लिए पूरा का भाई छोड़ो पूरा का पूरा करता नहीं, मैं आपको यहाँ पर जादू दिखाता हूँ। देखना 1 2 3। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो पूरा का पूरा बैकग्राउंड मैंने यहाँ पर चेंज कर लिया कुछ ही देर के अंदर। ठीक है, तो अभी आपको इस पेंसिल वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा, देखेंगे जिस ट्यून इमेज वाले आइकन में सिंपल क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने पर कुछ इस टाइप इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज कर देना होगा, नीचे अगर इसके कंस्टेंट को थोड़ा सा यहाँ पर आपको इंक्रीज कर देना होगा, और उसकी सेचुरेशन को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देना होगा, एम्बेंट्स को यहाँ पर थोड़ा बहुत कम कर देना होगा, हाईलाइट्स को कुछ इतना सा यहाँ पर आपको बढ़ा देना होगा, देखेंगे शेडोज को कुछ इतना सा कम कर सिंपल यहाँ पर आपको राइट में जो है क्लिक कर देना होगा। तो चलो इधर इतना काम कर देने के बाद अगेन इस पेंसिल वाले आइकन में जो है क्लिक कर देना होगा और सिलेक्ट वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। फिर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर जैसे कि भी आप देख रहे हो तो वहां पर अपने बॉडी पर रख देना होगा जहां से आप अपने फोटो को रिटच करना चाहते हो। फिर इस टाइप से आपको साइज अपने इसकी डिक्रीज कर देनी होगी, देंगे कुछ इस टाइप से इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज कर देना होगा, देंगे थोड़ा बहुत नीचे अगर इसकी सैचुरेशन को यहाँ पर आपको -20% तक रख देना होगा, देंगे यहाँ पर पूरा का पूरा फुल भाई अपने बॉडी पर कर देना होगा जहां से डार्क है। ठीक है, ऐसा ही नहीं करना जहां से डार्क आपको लग रहा है कि हाँ यार यहाँ से मुझे करना चाहिए, तो वहां से आप पूरा का पूरा इसको रिटच कर दीजिएगा। तो इतना काम कर देने के बाद सिंपल यहाँ पर आपको जो है राइट में क्लिक कर देना होगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कितनी ज्यादा प्यारी से हमारी एडिटिंग हो चुकी है। तो अगेन इस पेंसिल वाले आइकन में जो है क्लिक कर देना होगा, देंगे जिस ब्रश वाले आइकन में सिंपल क्लिक कर देना होगा और सैचुरेशन वाले ब्रश को सिलेक्ट कर देना होगा। इस टाइप से फिर जूम इन करके अपने लिप्स पर इसको थोड़ा सा यहाँ पर आपको इस टाइप से यहाँ पर ड्रॉ कर देना होगा, कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, थोड़ा सा राउंड वर्ड इसके कर देना होगा, समझ रहे हो। फिर यहाँ पर आपको राइट में क्लिक कर देना होगा, अगेन इस पेंसिल वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। फिर इस टाइप से थोड़ा बहुत नीचे अगर पोर्ट्रेट वाले आइकन में आपको क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने के बाद थोड़ी सी यहाँ पर आपको लोडिंग देखने को मिल जाएगी आपको भी। ठीक है, ऐसे बात कहना है यार मेरा आईफोन है मेरी नहीं होगी होगी यार सब में होगी। तब आपको स्मूथ टू वाले आइकन में सिलेक्ट कर देना होगा, इसकी जो फेस स्पॉट लाइट है अराउंड यहाँ पर आपको 30% तक आपको यहाँ पर रख देनी होगी। तो रख देने के बाद इसकी स्किन स्मूथनिंग को 100 कर देना होगा, नीचे अगर इसकी जो आई क्लियरिटी है उसको भी ऑलमोस्ट यहाँ पर 60% रख देना होगा। फिर से पहले राइट में आपको क्लिक कर देना होगा, तभी हम देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा सा फोटो यहाँ पर आपका एडिट हो चुका है। तो अगेन पेंसिल वाले आइकन में यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा, दौड़ खींच क्लिक कर देने के बाद अभी आपको सिंपल इस विंटेज टी वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा, इसकी जो आउटर ब्राइटनेस है उसको अराउंड तक यहाँ पर आपको रख देना होगा, अराउंड 70% रख देना होगा। इसकी जो इनर ब्राइटनेस है उसको थोड़ा सा हम जो है इंक्रीज करने वाले हैं अराउंड -4, फिर सिंपल राइट में आपको क्लिक कर देना होगा। तो इतना काम कर देने के बाद अगेन पेंसिल वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने के बाद अभी आपको इस डिटेल्स वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा, नीचे इसकी जो शार्पनिंग है शार्पनिंग को यहाँ पर आपको अराउंड बढ़ा देना होगा, अराउंड रख देना होगा 30% तक आपको इसको रख देना होगा, जैसे कि आप देख सकते हो। फिर इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आपको इंक्रीज कर देना होगा, फिर सिंपल राइट में क्लिक कर देना होगा। तो ऑल राइट गाइस यार जैसे कि भी आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो कितना ज्यादा प्यारा सा फोटो यहाँ पर एडिट हो चुका है। बैकग्राउंड के बाद दिखाऊं ये बैकग्राउंड जब चेंज करा था और अब ये देखो। तो आई होप आपको ये वाली एडिटिंग जरूर अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज यार इस वीडियो को जल्दी से जाकर लाइक जरूर से कर देना, अगर आप चैनल न्यू चैनल को सब्सक्राइब भी जल्दी से जाकर कर देना। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन, मिलते हैं अगली बार, बाय बाय।